सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही इस बेल वाले आइकॉन को दबा लीजिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देख लें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट अकाउंट कैसे बना सकते हैं और फ्लिपकार्ट अकाउंट में एड्रेस कैसे डालते हैं, और साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में जीमेल आईडी कैसे ऐड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्रंश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से फ्लिपकार्ट ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास पहले से हैं तो इसे डायरेक्ट ओपन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पूछेगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर दिखाई देंगे, आप जिस नंबर से ऐड करना चाहते हैं वह उस पर क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं क्लिक कर लेता हूँ और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर दोस्तों ऑटो कैप्चर ओटीपी सेव हो जाएंगे, आपको ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको लेफ्ट साइड में थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने लेने के बाद आपको नीचे स्वाइप करना है। यहाँ फिर आपको माय अकाउंट ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर दो तस्वीर दिखाई देगी, एक तो है मेल की, दूसरी है फीमेल की। अगर दोस्तों आप मेल हो तो आप मेल पर क्लिक कर लीजिए, यदि आप फीमेल हो तो आप फीमेल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मेल पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर इस यहाँ पर आपको पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप दोस्तों अपना नाम डाल सकते हैं और आप लास्ट नाम डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर दिखाई देंगे। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप ईमेल आईडी कैसे ऐड करिए। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आप अपनी ईमेल आईडी को डाल देना है। दोस्तों ईमेल आईडी डालने से यह फ़ायदा होगा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उनका पूरा सारांश आपकी जीमेल आईडी पर आता रहेगा, आप इसलिए दोस्तों ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया जाता है। फिर आपको नीचे स्वाइप करना है। अब यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके पास यहाँ पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर नीचे डाल लेना है, या फिर दोस्तों वह ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अभी ओटीपी आया, मैं उसे डाल लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों न्यू पासवर्ड डाल लेना है। चलिए दोस्तों, मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ और यहाँ पर रिट्राई दोबारा पासवर्ड डाल लेना है। फिर आपको नीचे सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट अकाउंट में एड्रेस कैसे डालते हैं। आपको नीचे यहाँ पर माई एड्रेस लिखा हुआ दिखाई देगा और राइट साइड में ब्लू कलर में एड एन एड्रेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पिन कोड डाल लेना अपना, और यहाँ पर हाउस नंबर बिल्डिंग नेम डाल लेना है, और यहाँ पर रोड नेम एरिया कॉलोनी डाल लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों आप नीचे सिटी स्टेट ये डाल लेना है, और लैंडमार्क दोस्तों डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप अपना नेम डाल दीजिए, यदि दोस्तों आप खुद मंगा रहे हैं तो अपना नेम डाल दीजिए, यदि आप किसी अन्य दोस्त के द्वारा मंगवा रहे हैं तो आप दोस्त के नाम पर नाम डाल दीजिए। फिर अपना यहाँ पर 10-डिजिट मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और ऑप्शनल मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे एड्रेस टाइप पूछेगा आपको, यहाँ पर आप होम एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं या फिर आप वर्क ऑफिस, दोनों किसी में आप सिलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फ्लिपकार्ट की भाषा चेंज करना चाहते हैं तो आपको थ्री लाइंस पर क्लिक करना है और चूज लैंग्वेज पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जिस भाषा में, यहाँ पर दोस्तों दो ही भाषा दे रखी है, तो आपको दोस्तों हिंदी में करना है या फिर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो
जिस पर आप क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं इसे इंग्लिश में ही रहने देता हूँ। यदि आप हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में कर लीजिए, या फिर आप इंग्लिश में चाहते तो इंग्लिश में कर लीजिए। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी फ्लिपकार्ट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों मेरा ये छोटा सा